हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ शरीर में नसों का काम। देखिए, शरीर में जो नसें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, और किसी भी कारण से अगर इनमें कोई भी विकार आ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। जैसे कि अगर नसों में ब्लॉकेज आ जाती है तो हमारी कमर में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है, या जहाँ पर भी क्लॉटिंग होती है वहीं हमें दर्द होने लगता है, और इन्हें ही हम नर्व डिसऑर्डर की प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर सकें। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये नसें कमज़ोर होती ही क्यों हैं। कई बार डायबिटीज़ की वजह से नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो कई बार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या फिर कई बार नसों में फैट जमा हो जाता है तब हो जाता है ऐसा, या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी नसें कमज़ोर हो जाती, किडनी या लीवर का सही से काम ना करने पर भी नसों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे शरीर में जब टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तब भी हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी नसें कमज़ोर हो गई हैं, क्या लक्षण हैं उनके? तो देखिए, जब नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, कई बार चक्कर भी आने लगते हैं। ये भी नसों की ब्लॉकेज का ही एक कारण है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा तो ऑब्वियसली यही प्रॉब्लम होगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप इसका समाधान कैसे करेंगे, जिससे कि आपकी जो ब्लॉक नसें हैं वो खुल जाए। ब्लॉक नसों के कारण आप लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है, या माइंड में टेंशन होने लगती है, हार्ट काम अच्छे से नहीं करता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। कई बार घुटनों में, कमर में भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें अपना करके आप अपनी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म कर सकते हैं। जैसे योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को खान पान में चेंजेस करके भी बहुत फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को कहीं पर भी दर्द है, नस पे नस चढ़ गई है, साइटिका की दिक्कत है, तब उस जगह को कभी भी मरोड़िए मत, बहुत तेज़ दबाइएगा मत। आपको क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से उस पर तेल लगाना है और उस जगह की धीरे धीरे करके मसाज करनी है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप उस तेल को रमाएंगे उस जगह पर, तो वहाँ की जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, नरिश हो जाएंगी, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपको भस्त्रिका प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, ये नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत ही अच्छा। इसके साथ ही आप लोगों को अनुलोम विलोम भी करना चाहिए, इसको नाड़ी शोधन व्यायाम भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि घरेलू उपाय कौन सा है जिससे कि आप अपनी नसों की ब्लॉकेज या कमज़ोर नसों को सही कर सकें। इसके लिए आप लोगों को एक ग्लास पानी चाहिए। जो औषधि मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, अगर व्यक्ति दो या उससे ज़्यादा हों तो उसके हिसाब से क्वान्टिटी को बढ़ा लीजिएगा। तो आपको क्या चाहिए, एक ग्लास पानी चाहिए और एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि एक पोर्वे के जितना टुकड़ा सिनेमन यानी कि दालचीनी का चाहिए। दालचीनी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कि ये खून को पतला कर सके, तो इसलिए आप लोगों को दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा इसमें डाल देना है। अब आप लोग पूछेंगे कि दालचीनी का टुकड़ा ही डालना है या फिर पाउडर डाल भी सकते हैं, तो आप इसमें से कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं, चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या स्टिक हो तो स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें जितना अर्क होता है वो जल्दी ही पानी में चला जाता है। इसके अलावा आपको एक मोटी इलायची चाहिए, जिसको हम बड़ी इलायची भी बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को पानी में डाल करके और 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाना है। ये कितना हो जाए, ये आधा हो जाए, तब इसे बंद कर दीजिए गैस को और छान लीजिए। छानने के बाद आपको इसमें गुड़ मिलाना है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो गुड़ का यूज़ ना करें। और गुड़ कौन सा मिलाना है, पुराना वाला गुड़ मिलाना है, उसमें ज़्यादा फास्फोरस होता है तो वो सोडियम को शरीर से बाहर निकाल। इन चीज़ों के अलावा शरीर को न्यूट्रिशन देने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें खानी होती हैं, क्योंकि पूरा पोषण हमें खाने से नहीं मिल पाता। तो इसी की कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों को कुछ बीज हैं जो अपने खाने में ऐड करने चाहिए। जैसे कि आप लोगों को
फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीजों का प्रयोग करना चाहिए अपने खाने में। कैसे प्रयोग करना चाहिए, अभी ना तो गर्मियां हैं ना सर्दियां हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, और रात के समय में आधा चम्मच अलसी के बीज लीजिए, एक गिलास पानी में उन्हें भिगो दीजिए और दोपहर के टाइम में खा लीजिए और पानी भी पी लीजिए, तो इससे आपके शरीर को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आपने अभी काढ़ा बनाया था उसे आप किसी भी टाइम पी सकते हैं, सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम पी सकते हैं, पर जब भी पिए तो ताज़ा बना कर पिए। ये वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी साथ में ज़रूर दबा दें।